नमस्कार। पीवीआर में है इस समय। थोड़ी देर पहले फिल्म देखी, जाट आंदोलन पर बनी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। कैसे बनी फिल्म, क्यों बनाई गई फिल्म, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिल्म चीरहरण के डायरेक्टर कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, पहला तो सवाल ये है कि चीरहरण क्या है? चीरहरण, नमस्कार। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बोल दूँ कि वॉइस ऑफ पानीपत के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और भाई साहब ने जो सवाल पूछा, चीरहरण क्यों बनी, चीरहरण और उसका नाम क्यों है चीरहरण, चीरहरण बनने के जो मेन कारण है वो ये है कि जब आप अपने घर को टूटते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि क्यों टूट रहा है। और मैं हरियाणा में ही पैदा हुआ हूँ, अब पिछले 20 साल से मुंबई में हूँ, पर जहाँ आप पैदा होते हैं उसकी जड़ें तो आपको हमेशा वापस खींच के लाती हैं। तो जब जाट रिजर्वेशन एजिटेशन हुआ और वो पूरे के पूरे दंगे भड़के, तो मुंबई में बैठे बैठे जैसे बाकी सब लोग परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था कि हो क्या रहा है। और पता करने के लिए जब पहुँचे हरियाणा, अपने गाँव में माँ बाप से बात करते थे, यहाँ ये हो गया, यहाँ घर जल गया, ऐसा हो गया। तो जब पहुँचे और जो पुराने दोस्त थे उनके थ्रू लोगों से मिलना शुरू किया, जिनके घर जले हुए हैं, जिनके बच्चे की डेथ हो रखी है, तो पता लगा कि जो जो चीज़ें देखी हुई हैं उनमें और सच्चाई में बहुत अंतर है। अब वो जैसे जैसे पता चलता गया, मेरी चीज़ें आगे बढ़ती गई। मतलब पहले मैं 2-4 दिन के लिए आया था, फिर ऑन फील्ड मैं 45 दिन यहीं रहा। पानीपत हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, भिवानी हो गया, झज्जर हो गया, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह लोगों से मैं पर्सनली जा के मिला और सब चीज़ें जानी। और सच्चाई जानने के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे इसको शेयर करूं लोगों के साथ। आप फेसबुक या ट्विटर पे लिख दो, उसे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। तो सोचा एज ए फिल्म मेकर, एक मीडियम है मेरे पास, वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कमर्शियल नहीं। कमर्शियल फिल्म में सबको लगता है कि ये शायद काल्पनिक हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्री में क्योंकि फैक्ट होते हैं तो आप जो बोलते हो उसका फैक्ट साथ में दिखाते हो। जो जो भी दर्शक देखता है उसको ये नहीं लगता कि अच्छा ये सच है कि नहीं, उसके पास ऑलरेडी पता होता है कि ये सच है, तो वो अपना एक डिसीजन अच्छे से ले पाता है और जान पाता है कि ये क्यों घटित हुआ। तो वो सब बताने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई चीरहरण। और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, इसका ऑल ओवर वर्ल्ड 17 स्क्रीनिंग हो चुकी हैं, जहाँ पे साउथ इंडियन कम्युनिटी से लेके अपनी कम्युनिटी से लेके कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। चाहे वो UK हो, US हो, कैनेडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे 17 स्क्रीनिंग हुई है इसकी। यहाँ आने में लेट हो गया क्योंकि सेंसर बोर्ड ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया था और मुझे 2 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी जीतने के लिए। और थैंक गॉड कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि ये फिल्म हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ना भीड़ का हिस्सा बने, वो ना पत्थर उठाएँ, ना किसी को जलाएँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्या दिखाने की कोशिश, दर्शकों को बताने की कोशिश भी, क्या दिखाने की कोशिश किया आपने इस फिल्म में, कि वो जो मॉब आया था, जो मूवमेंट हुई थी, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है उस मॉब में अगर वो बोलते हैं असामाजिक तत्व हैं, चलो भाई एक हद तक मान सकते हो आप कि असामाजिक हैं, पर असामाजिक के बाद जो इतने बच्चे दिख रहे थे रोडों पे, वो सब तो नहीं हो सकते। इसलिए वो गाना भी जो मैंने दिखाया है कि ओ मानस री जात, तेरी समझ नहीं आ रही बात, नादानियों ने तेरी फूके हैं हालात। ये बच्चे, अगर हमारे ही बच्चे अपनी प्रॉपर्टी जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश की भी प्रॉब्लम है। हम ये नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, छुट भैया नेताओं को, इनको ब्लेम करके अपना दामन ना बचाएं। सोसाइटी सबकी है, और अगर किस आपकी सोसाइटी में किसी को भी एक दूसरे से डर लगने लग गया ना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये दिखाने की कोशिश है कि आने वाला समाज का जो बच्चा है वो इन चीज़ों में ना पड़े, एक दूसरे को गंदी नज़र से ना देखे। पूरे एपिसोड में, पूरी डॉक्यूमेंट्री में राजकुमार सैनी जो निकल के आए हैं सामने, शुरू में हम लोगों ने बड़ी कवरेज की इस मामले को लेकर, जाट आंदोलन को लेकर, खास तौर पर शिवा गांव में जब हम लोग जाते थे वहां की महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था कि शहर की तरफ ना फैले लोग। राजकुमार सैनी को आपने पार्ट में दिखाया, क्या लगता है राजकुमार सैनी का रोल इस पूरे एपिसोड में रहा है? देखिए वो इंस्टिगेटर हो सकता है, जिस तरह से उसके वीडियोज़ हैं, उसकी उनके लोगों के इंस्टिगेटर वीडियो हैं, पर अगेन डॉक्यूमेंट्री का मेन एम यही होता है कि वो आपको दिखाए और आप डिसाइड करें। एज ए फिल्म मेकर मैंने वर्डिक्ट नहीं दिया, आपने देखा होगा फिल्म में, मैंने वर्डिक्ट ये दिया कि OBC रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए, जातियाँ देश को बांट रही हैं, जो एक तरह से सच है। जहाँ तक राजकुमार सैनी की बात है, आई थिंक जितना बड़ा वो कल्प्रिट है उतना ही हमारा समाज है कि उसके बहकावे में आके आपस में लड़ रहा है। भाई जाट सैनी आज से दोस्त थोड़ी हो, तो सालों से हैं, 100-200, जैसे आपने देखा वो बाणगंगा के घाट पे जो मीटिंग हुई थी जिसमें खिलजी के खिलाफ लड़ गए लोग, तब भी एक साथ खापे इकट्ठे बैठ के एक बंदे के खिलाफ लड़ती थी।
तो सामाजिक पतन होने से कैसे बचाएं, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग तो आते रहेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम में आते हैं, वो बकरा फेंकाता है, कोई गाय काट के डाल देता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। आपको लगता है कि इस फिल्म के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है, लोगों का दिमाग यू टर्न लेगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, जैसे कि आप अभी अपील कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा, मेरे को ऐसी बहुत आशा है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ भी स्क्रीनिंग हुई उसके बाद जो लोगों ने फेसबुक पे लिखा है वो अनबिलीवेबल है। कई लोगों ने माफ़ी मांगी है कि हमें हरियाणवी समाज के बारे में नहीं पता था और हम शर्मिंदा हैं और हम लज्जित हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने फेसबुक पे कि हमने मीडिया की बातों में आके इन लोगों को इतना घटिया सोचा, उनको गालियाँ दी। कैनेडा के अंदर टोरंटो में हमारी स्क्रीनिंग हुई थी और जो हमारे पंजाबी समुदाय के लोग हैं, पंजाबी मतलब अपने यानी सरदार भाई जो हैं, जो पंजाब से हैं, वो फिल्म देखने स्पेशल मुरथल रेप केस के लिए आए थे कि मुरथल में कैसे रेप हुआ। और देखने के बाद उन्होंने मुझे गले लगा के और रो रहे थे। स्टेज पे आके उन्होंने बोला कि यार हमें तो लगा था कि हरियाणवियों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, सच्ची में आपने जो सच दिखाया है ना उससे वो दरार, वो कड़वाहट कम हुई है, वो ख़त्म की है आपने, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, इस फिल्म के बहुत आभारी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सिनेमा में वो पावर है कि अगर आप सही दिशा दिखाने की कोशिश करें और लोगों को समझ में आए तो लोग बदलते हैं। आप इंसान जो है वो कीप ऑन इवॉल्विंग, चेंज होता रहता है, उसकी सोच बदली जा सकती है अगर आप सच्ची पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं। तो उपेंद्र हुड्डा का भी आपने जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपने डॉक्यूमेंट्री शूट की, उसके बाद वो डिनाई क्यों कर गए कि आप ना ले? दूसरा राजकुमार सैनी को भी लेने की कोशिश की गई थी जी। तो हुड्डा साहब का पूरा इंटरव्यू था उसमें और मेरा बहुत मन था उनका इंटरव्यू लेने का, क्योंकि वो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे जब ये आरक्षण दिया गया और फिर एक साल में कैंसिल हो गया और इतने बच्चों की जॉब करी चली गई। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो लोग शायद आपसे डरे भी होते हैं कि पता नहीं कहाँ से आया है, क्या इसका एम है। शायद हुड्डा साहब के यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये डर था कि मैं किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ या कुछ ऐसा होगा, तो शायद एक तो वो, दूसरा जो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने 10 साल क्यों लगाया आरक्षण देने में लोगों को, जब आपको देना ही था तो 10वें साल में आरक्षण अपने, जब टेन्योर से बिल्कुल एक साल पहले जब आपके अलग इलेक्शन आने वाले हैं तब आप लोगों ने घोषणा की हम दे रहे हैं। व्हाई यू टेक सच अ लॉन्ग टाइम? अगर आपको लगता है इनको देना चाहिए था, पहले 5 साल में दे देते, अगले 5 साल के बिगनिंग में दे देते। तो उनको शायद मेरा सवाल ठीक नहीं लगा या उनके जो सलाहकार थे उनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने बोला कि मेरा इंटरव्यू मत दिखाना। डॉक्यूमेंट्री में बिना परमिशन के आप चीज़ें नहीं दिखा सकते। राजकुमार सैनी साहब का कमाल किस्सा रहा, उनके बंदों ने हमें पहले यहाँ बुलाया था यमुनानगर, लेकिन नहीं मिले वो हमसे। फिर दिल्ली में हमारे को 3 बार बुलाया, एक बार तो मेरी बॉम्बे से टीम उठ के आई स्पेशल उनका इंटरव्यू लेने के लिए, पर कोई उनके जो बंदे थे वो हर बार मुझे बोलते हैं हाँ बस आज देंगे आपको इंटरव्यू। एक दिन तो हम उनकी कोठी के बाहर बैठे रहे दिल्ली में, मेरी पूरी 17 लोगों की टीम, और हम सारा दिन बैठे ही रहे, ना वो आए ना उनके बंदे ने फ़ोन उठाया। फिर चौथे, जब 3-4 बार आप चले जाते हो आपका 5-10 लाख का लॉस हो जाता है, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती कितनी कोशिश करें। तो इन लोगों ने नहीं किया, उसके बावजूद उनका जो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है जो ऑडियो में दिखता है उससे बहुत स्पष्ट भी होता है। मेरा उनसे आज भी यही सवाल है कि भाई आप क्यों बांटना चाहते हैं समाज को, यहाँ तो कल आपके बच्चे ही बड़े होंगे, आप तो चले जाओगे, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियाँ बड़ी होंगी और इतिहास नोटिस करेगा। जैसे आज हम आज़ादी के टाइम पे नोटिस करते हैं किसने गद्दारी की क्या किया, ऐसे इतिहास आपको नोटिस करेगा कि आपने एक समाज को तोड़ने की कोशिश की। मेरे को ये सवाल उनसे पूछने थे जो मैं नहीं पूछ पाया, आई विश वो आते और बोलते। कुलदीप जी, किसान आंदोलन चल रहा है, सबसे बड़ा अहम रोल जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्री से दिखाने की कोशिश करूं कि जाट जो है, जाट समुदाय नहीं था उस सारे उसमें, क्योंकि जाटों को प्लान करके, कौम को प्लान करके सारी गेम चलाई गई। मीडिया की बात की, मीडिया की आपने एक अहम रोल दिखाया, मुरथल कांड जो दिखाया कि एक अखबार में छपी, मुख्य अखबार में छपी, उसके बाद सारे अखबार में, सारे नेशनल मीडिया में वही डॉक्यूमेंट्री वही दिखाया गया अपना सारा। मानते हैं कहीं ना कहीं मीडिया भी अपना जो रोल है, जिसको आज गोदी मीडिया के नाम से लोग पुकारते हैं, कि कहीं ना कहीं मीडिया उस समय ठीक दिखाता तो इतना बड़ा बवाल ना मचता जी। बिल्कुल, अगर जैसे आप बता रहे हैं, अगर वो जर्नलिस्ट जिसने भी सब चीज़ें की या उन लोगों ने जो भी लिखा, अगर उनके अंदर थोड़ा भी ज़मीर होता तो वो ऐसी फेक न्यूज़ नहीं चलाते जिससे ऐसी भावना पैदा होती कि यहाँ पर लड़कियों के बलात्कार किए जाते हैं। और आपने देखा कि वर्ल्ड ओवर कैसा पिक भी हुआ था वो पूरा का पूरा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिना रिसर्च के आप ट्वीट कर देते हैं कि रेप हो गए, आपको पता नहीं है, हम शेयर कर देते हैं, आप शेयर कैसे कर सकते हो अगर आपको रिसर्च पता नहीं है, आपको सच्चाई नहीं पता? और इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस जो इतने सालों से खबर दे रहे हैं, उनसे एक अलग तरीके की आस होती है लोगों से कि ये आपको सच्ची न्यूज़ दिखा रहे हैं। जब वहाँ से गलत खबर आने लग जाए
तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और फेक न्यूज़ तो यहाँ नहीं, तो वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है इस वक्त। वो लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर देता है, मेन मुद्दे से भटका देता है। जो आप किसान आंदोलन में भी देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन में जो आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं, समाज एक 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 अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है अगर उसको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो गोदी मीडिया बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। और किसान आंदोलन को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है और जो सच्चाई है, अगेन उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने लोग सर्दी में छुटते हुए यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर व्यक्ति का धर्म है इन लोगों को सपोर्ट करना। और जो ये लोग सोचते हैं कि हमारे अन्नदाता नहीं है, हम भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, ये मुगालता है। किसान से ज़्यादा मेहनत नहीं करता कोई और ना कर सकता। एक बीज को बोना और काटना, पानी देना, सड़ जाना, फसल नहीं होना, जहाँ नेचर का हाथ होता है ना, वहाँ काम इतना आसान नहीं होता। तो किसानों को इस वक्त पूरे देश की ज़रूरत है और देश को खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ आई सपोर्ट फार्मर्स एंड एवरीबडी शुड सपोर्ट फार्मर्स। लास्ट सवाल, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, कुलदीप रोहिल कौन है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और आज कहाँ है? देखिए, कुलदीप रोहिल बेसिकली आपके हरियाणा से ही है। झज्जर ज़िले में मेरा गांव है धैकोरा। मेरे फादर आर्मी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, और वो तीनों लड़ाइयों में थे ग्रेटीन ग्रेडिनियर्स के अंदर। और मैंने थिएटर से शुरुआत की थी रोहतक में, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक प्रोफेसर के साथ थिएटर किया 3 साल। फिर मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया ड्रामेटिक्स में। उसके बाद मैं मुंबई चला गया था। मैं पिछले 20 साल से मुंबई में हूँ। एज एन एक्टर मैंने 5 फिल्में की हैं, सीरीज़ की हैं, टीवी सीरीज़ किट्टू सब जानती है, ऐसा देश है मेरा, ममता, प्लेइंग द मेन लीड इन ऑल द सीरीज़। उसके अलावा जो फिल्में मैंने लिखी वो मिक्की वायरस है, ब्रिज मोहन अमर रहे, नेटफ्लिक्स की जो पहली फिल्म थी ओरिजिनल इंडिया से वो मैंने लिखी है उसके डायलॉग्स, आश्रम जो सीरीज़ अब आप देख रहे हैं उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग सब मैंने लिखा है, जिसको लिखने में करीब 1 साल लग गया, जिसको प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया और बॉबी देओल अभी मेन रोल में है। इसके अलावा हुड़दंग करके एक फिल्म आ रही है अभी मेरी, जो मैंने लिखी है, इसमें नुसरत बरोचा है और सनी कौशल है और विजय वर्मा है। एंड महेश भट्ट की जो अर्थ फिल्म थी पुराने वाली, उसका सीक्वल बन रहा है, वो मैंने लिखा है, रेवती जिसको डायरेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी और एक सीरीज डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट दैट्स माई जर्नी। जिन बच्चों ने ये फिल्म देखी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या देखा फिल्म में? आपको लगता है कि आप यूथ में हैं, युवा हैं, कि इस जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो जाट आंदोलन हुआ असल में वो आंदोलन जो है इस फिल्म में दिखाया गया, कौन लोग उनके पीछे? मेरे को ये चीज़ लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे से शो कर रखी है इन लोगों ने, दैट जाटों का कोई मतलब ऐसा जैसे दिखा रखा था मीडिया में कि जाटों ने किया एंड स्टफ लाइक दैट, वो एक्चुअल में बताया है कि इन लोगों ने कि जाटों ने नहीं किया था, अदर कास्ट के लोग थे उन लोगों ने किया था। एंड मोर ओवर इन लोगों ने बहुत अच्छे से शो कर रखा है कि ये चीज़ें ऐसी है। आई वुड लिटरली प्रेफर माई फॉलोअर्स एंड इवन टू ऑल द पीपल दैट श्योरली यू पीपल वॉच दिस मूवी। मॉरल क्या मिला आपने देखा? मॉरल ये मिला कि हम लोग को भाईचारा रखना चाहिए। हम हरियाणा के लोग हैं, हम लोग भाईचारे की वजह से ही जाने जाते हैं, तो हम लोग को बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम हम लोग को ये भाईचारा ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपने भी फिल्म देखी है सारी? जी, मेनली यही चीज़ थी कि ये जो कास्ट में कंपेरिजन हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। और सेकेंडली ये भी कि मतलब जेनरोसिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गई है इस स्टेज पे, और जो लोगों की गलत सोच है हरियाणा के लोगों के लिए वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और बस लगता है ये जैसे मीडिया का रोल भी इसमें दिखाया गया है कि मीडिया को भी अपनी जो लेखनी है उस पर भी ठीक कंट्रोल करना चाहिए। वो क्योंकि देखो अब हर चीज़ के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वो बंदे पे डिपेंड करते हैं कोई उसको किस टाइप पे लेता है, कि पॉजिटिव लेता है नेगेटिव लेता है। अब अगर न्यूज़ वाली चीज़ों को गलत तरीके से गलत व्यू पॉइंट से दिखाएंगे तो फिर आम लोगों को तो गलत ही चीज़ें लगेंगी ना, या उनके पास तो गलत पॉइंट ऑफ व्यू ही जाएगा, तो वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी पूरे वर्ल्ड में ये है कि 2016 का जो कांड हुआ था हरियाणा में वो सिर्फ जाटों की वजह से हुआ। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटी जो है वो मेन चीज़ है, अपने लोगों पे भरोसा रखो, अपने आसपास के लोगों के साथ साथ बना के रखो, अच्छा बिहेवियर रखो सबके साथ, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर अपने मन में ही हम भेदभाव रखेंगे कि हाँ ये शेड्यूल कास्ट है या ये जर्नल कास्ट है हमें ये सब करना है, फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने भी देखी फिल्म? हाँ जी। क्या देखे, क्या अच्छा लगा? जो मूवी में जो बेसिकली मेन चीज़ दिखाई है वो दिखाई है ह्यूमैनिटी,
की जो दंगे वगैरह करवाए थे, जैसे उन्होंने बोला कि अदर कास्ट में करवाए थे, फिर जाट ने करवाए थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो पॉलिटिकल अपने जो अपनी तरफ करने के लिए लोगों को या फिर गलत फहमी पैदा करने के लिए, लोगों की ह्यूमैनिटी तोड़ने के लिए बेसिकली, इसलिए वो करा था। और जो हम लोग को मेन अभी जो करना चाहिए वो है कि अगर हम लोग मूवी प्रमोट करते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं कि मेन जो है वो मानते हैं, आजकल ऐसा भी बोलते हैं कि जाट जो है कुछ ज़्यादा अक्कड़ में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हम लोग है ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, मतलब फ्रेंडशिप, यूनिटी। तो आपको बता दें कि पानीपत के दो PVR में जो है, यहीं पर जहाँ PVR में खड़े हैं, यहाँ पर 3 शो जो है रोज के रखे गए हैं। पूरा हफ्ता ये फिल्म चलेगी। आप अपने बच्चों को लेकर आइए, चाहे अदर कास्ट जो भी मर्जी कास्ट हैं, आप फिल्म देखने के लिए बच्चों को लेकर आएँ और समझने की कोशिश करें 2016 का जो मामला था, जाट आंदोलन हुआ था, वो कैसे और क्यों भड़का। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, CRT का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस, कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है House No. 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, GT रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।